यार सोच रहा था बाल बहुत बढ़ चुके हैं, काट ही लो। Like a bird on a tree. बहुत से रिटेक के बाद मैं फाइनली शायद से ये ब्लॉग ये वीडियो पूरी हो सकती है। चाहता तो वही हूँ कि रिटेक ना लूँ, आपसे डायरेक्टली बात करूँ, बट क्या है ना डिस्टर्बेंस और बीच में ही रुकने की आदत की वजह से कट करना पड़ रहा है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सो अभी 9:45 हो रहे और आज है 22 अगस्त 2020। आज गणेश जी का आगमन हो चुका है, आज से 10 दिन गणेश जी अपने घर में रहेंगे, उनकी आरती उनकी पूजा सब कुछ हम करेंगे। वो आ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ लौट चुकी है, शायद से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है और यही पॉजिटिविटी आज या शायद से अभी से मैं मेरे अंदर भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉजिटिविटी का मतलब है लोगों की सोच, मीन्स लोगों की सोच हमारे बारे में क्या होती है, कैसी होती है और क्यों होती है हमें नहीं पता, बट शायद से ये जो लोग होते हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं और हमें डीमोटिवेट करते हैं, एक अच्छा भी है क्योंकि अगर वो डीमोटिवेट ना करें तो हम मोटिवेट नहीं हो सकते। उसका रीज़न ऐसा है कि हर कोई अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता, फैमिली को छोड़ दो, 2-3 दोस्तों को छोड़ दो, तो बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में सही नहीं सोचते हैं। और हमें उनका ना सोचते हुए हमें अपना सोचना है, अपने बारे में सोचना है। कचहरी वाले अंकल कोई बात नहीं, तो इतने दिन से हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वैसे तो लास्ट वॉक व्लॉग 22 जून को आया था, 27 जून को, वो भी नासिक गए थे और आपको पता है कि बहुत सी परेशानी हुई वहाँ पे जाके। हम जहाँ जाने वाले थे त्र्यंबकेश्वर और जहाँ हमने सोचा था जाने का पहना या हरिहरेश्वर जो फोर्ट है वहाँ पे, बट बात ऐसी हो गई बारिश की वजह से प्रिपरेशंस नहीं थी तो हम कर नहीं सके। बात यही आ रही है कि क्या हम यूट्यूब पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो सोच लेके हम आए हैं, फोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और राइडिंग, क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत से यूट्यूबर्स है या बहुत से बिगनर्स है जो सोचते हैं कि हमें यूट्यूब पे आना है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें वहाँ पे कुछ तो अपना हम जो करते हैं जो उनमें क्रिएटिविटी है वो दिखानी है, बट इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से वो कर नहीं पाते। मेरे पास भी वैसा ही है, ना कैमरा है, ना बाइक है, ना इक्विपमेंट्स है, है तो बस एक स्टैंड है जो फ़िलहाल अभी 4-5 दिन पहले हमने मंगवाया है, और एक मोबाइल है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और शायद से वो लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, मतलब हमारी फैमिली और मेरा एक फ्रेंड, इनको छोड़ के ऐसा कोई भी नहीं है जो कहता है कि तू कर हम तुम्हारे पीछे। शायद से आप लोग हो और यूट्यूब पे ऐसे बंदे हैं जो मेरी सोच को अपनी सोच समझ के अपने चैनल पे इस चैनल पे आएंगे। अब वो क्यों, तो शायद से बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें लेकर आ चुके हैं, बहुत से उन्होंने क्रिएटिविटी हो गई, व्लॉग्स हो गए, बहुत सी चीज़ें अब बता नहीं सकता, बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे आ चुकी है, कुकिंग जैसी चीज़ें हो गई। तो मैं क्या नया लेके आया हूँ, मैं कुछ नया नहीं लेके आया हूँ, मैं वही है जो कुछ आप देखते आ रहे हो। शायद से आपको मेरी व्लॉग में कुछ अलग देखने मिले, जैसे मेरा फनी सा नेचर, दोस्त मेरे जो भी मेरे साथ रहते हैं, मेरी फैमिली और मेरे काम करने का तरीका, शायद से इस वजह से लोग जुड़ेंगे। और इतने बड़े देश में क्या मुझे मेरे जैसे सोच वाले लोग मिलेंगे नहीं, तो भाई मिलेंगे और हमसे जुड़ेंगे भी, हमारे लश्कर फैमिली के मेंबर भी बनेंगे और हमारे साथ काम भी करेंगे। हमारे साथ काम करने का रीज़न आपको आगे पता ही चल जाएगा,
अभी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो शायद से इस चीज़ के पीछे का रीज़न यही था। और जैसे हमने बताया, टाइटल आपने देख ही लिया होगा, दिल की बातें। ये दिल की बातें करना ज़रूरी इसलिए था, इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये दिल की बातें यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है। और लोगों को सोचने दो लोग क्या सोचते हैं। दिल की बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो लोगों तक जा सके। और आज ना कोई व्लॉग है, ना कोई कुछ, मैं राइडिंग कर रहा हूँ, ना कोई कहीं जाग रहा हूँ। सबसे पहले तो गणपति जी का विराजमान हो चुका है, आप वो भी देख लेना, वीडियो के एंड में देखने मिलेगा या तो वीडियो के पहले ही आपको दिख गया होगा। डेकोरेशन नॉर्मल सा है बिकॉज ऑफ मिडिल फैमिली, तो जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। वैसे ही यूट्यूब का भी है मेरा, मुझसे जितना होगा शायद से, देखो मैं लोगों को जो पसंद है वो मैं ना दिखा पाऊँ, बट शायद से मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ और लोग पसंद भी करेंगे। बस आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में इतना ही था। ना मैं कुछ ज़्यादा कहना चाहता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। ये अपना स्टार्ट है, मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया नहीं है, बल्कि स्कूल के फंक्शंस में कभी स्पीच भी नहीं दी। ये कॉन्फिडेंस जो भी है वो आपके वजह से है, जो अभी तक ये वीडियो देख रहा है। शायद से आपको मेरी सोच पसंद है इसलिए आपने अभी तक ये वीडियो देखी है और लास्ट तक देखेंगे। एंड बस यही कहूँगा, अगर आपको पसंद आ रही वीडियोस तो वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर ज़रूर कर देना। शेयर उन लोगों के लिए करना वीडियो को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। तो भाई उनको यही कहना कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास सोच तो है, आप पॉजिटिव तो सोच रहे हो, शायद से आपको जो दिखाना है आप वो दिखा तो रहे हो। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और आगे प्लान्स है, किए हैं, तो राइड का प्लान बन चुका है और हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। लॉन्ग मतलब ज़्यादा नहीं है, 400-500 किलोमीटर की राइड रहेगी, उसमें भी हम पार्ट्स बनाएंगे, देखते हैं जैसे भी होते आएगा वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है। हम नेचर के करीब जा रहे हैं, हिस्ट्री के करीब जा रहे हैं, तो हिंट तो दे दी है, बट इतने बड़े देश में हिस्टोरिकल प्लेसेस, फोर्ट्स, नेचर बहुत सी जगह पर है। तो हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो देखना ना भूलिएगा। तो मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।